किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के किसानों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अग्रिम बधाई दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कोरोना के इस संकट में भी केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में 2,000 रुपए की एक किश्त जमा की है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिए जा रहे संबल के कारण ही एक बार फिर से मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड 1,29,00,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस वर्ष भी अभी तक 1,08,00,173 मैट्रिक टन गेहूं किसानों से उपार्जित किया जा चुका है। इससे किसानों के खाते में 21,334,32,00,000 रुपए जाएंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कोरोना विपत्ति के बावजूद अपना खून पसीना बहाकर गेहूं का इतना अधिक उत्पादन करने के लिए किसानों को बहुत बहुत बधाई दी है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कोरोना के संकट में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में किसानों के लिए 24 घंटे तत्पर है और हमने इस बार गेहूं की खरीदी में भी रिकॉर्ड बनाया है। आज हम 1,08,02,163 मैट्रिक टन गेहूं खरीद कर एक इतिहास रचा है, जो लगभग 21,334,32,00,000 किसानों को मिलेंगे। अभी तक हम 1,522 करोड़ से अधिक राशि किसानों के खातों में डाल चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमने 4,660 खरीदी केंद्र स्थापित किए थे, जिससे ये गेहूं उपार्जन किया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए SMS सिस्टम से छोटे किसानों को हमने पहले खरीदा, पहले 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 3 हेक्टर, 4 हेक्टर, जिससे छोटे किसानों को भी लाभ हुआ। और पिछले वर्ष भी कोरोना के संकट में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश में नंबर एक स्थान पर आया, जहाँ 1,29,00,000 मैट्रिक टन से भी अधिक हमने गेहूं खरीद के एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख आखिरी तारीख थी, लेकिन किसानों की मांग के अनुसार इंदौर उज्जैन में हमने पहले खरीदी की थी, इसलिए 15 तारीख रहेगी, लेकिन अब 25 तारीख कर दी गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।